Hey, Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. मार्केट में ब्लॉग की शुरुआत करते हैं कुछ मीठे से, पूरी स्पेशल अमृतसर की जलेबियाँ। ये देख सकते हो ऊपर गुरु रामदास जलेबी वाला, देसी की घी जलेबियाँ यहाँ की बहुत मशहूर और बहुत पुरानी दुकान है। तो चलिए टेस्ट करते हैं देसी घी की जलेबियों। दास राम जलेबी वाले के पास आ चुके हैं, तो अभी इनसे पूछेंगे दुकान कितनी साल पुरानी है आपकी। मोर देन 70 ईयर ओल्ड है, 70 साल हो। 70 साल। और आज इनकी एक बढ़िया सी प्लेट लगा दीजिए हमारे लिए भी जलेबी की, तो हम देखते हैं कितनी बढ़िया होगी या कैसी होगी। तो गाइस चखे बताऊंगा आपको कैसी है कैसी नहीं है। टेस्ट पता है कैसा है? करारी करारी जलेबी और जैसी मौसम अल्टीमेट हो रहा है, मज़ा आ जाता है। अमृतसर आओ तो जलेबी जरूर खा के जाना इनके यहाँ। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम सीधा लस्सी वाले के पास, जो यहाँ की सबसे मशहूर दुकान है। और पैदल चलते चलते आ चुके हैं हम। जलेबी खाकर बहुत ही आनंद आया, वीडियो पूरा देखना। अभी लस्सी की बारी आई है, उसके बाद में एक और सरप्राइज होगा, शायद टेस्टी सी चीज़ आएगी, तो वीडियो पूरी देखना आप। और ये पीछे जो मार्केट चल रही है पूरी बहुत पुरानी मार्केट, आपने पीछे आपने देखा होगा जैसे ही पुराने पुराने घर थे, पुरानी पुरानी हवेलियाँ थी, तो मज़ा आता है ऐसे देख कर। यानी पंजाबी लस्सी पे, जैसा कि आप ऊपर मेंशन किया था, अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो काफ़ी फेमस दुकान है इनकी भी भैया की, जो है ज्ञानी पंजाबी की लस्सी। तो लस्सी वाले भैया के पास देखिए खली भी आए हुए हैं, अमीशा पटेल भी आई हुई है, रेमो डसूजा भी आए हुए हैं यहाँ की लस्सी चखने के लिए। ये पाल सिंह जी है, शेफ हैं, और ये स्पेशल लस्सी का आनंद चखने के लिए इतनी दूर आए हुए हैं अमृतसर। और खली साहब मैंने दिखाई दिए आपको, तो मैं बार बार फिर रिकमेंड करूँगा, जब भी आओ तो ज़रूर लस्सी का आनंद ज़रूर लेके जाना, क्योंकि मौसम के साथ लस्सी भी टेस्टी मिलती है यहाँ पे। भैया एक हमारे लिए भी बढ़िया सी लस्सी बना दीजिए आप। ये मावा है जो इस भैया ने इस मटकी में डाल दिया, अब इसको पीसेंगे अच्छी तरीके से, ये बनाने लग रहे हैं। अनुमम यहाँ क्या रहता है, भीड़ रहती रहती है। अभी क्या दोपहर का टाइम है, तो इसलिए भीड़ कम ही है। अभी लस्सी टेस्ट करेंगे, देखने में तो बहुत टेस्टी है, एकदम मस्त। लस्सी का भी स्वाद है, मावे का भी स्वाद है, और मावा लस्सी इसीलिए कहते हैं। अमृतसर आओ तो पी के जरूर जाओ। ये जो लस्सी है ना, ये दही का है, दही और दूध और आइस और लोड मुताबिक चीनी। अच्छा, चार चीजों का मिश्रण है। अच्छा, उससे बनती है। और ये मावे वाली, जो मावा है, मावा तैयार करके का मक्खन निकाल के अलग से, हाँ जी, उसमें जो मावे के नीचे वाला होता है लस्सी, वो दही में डाल के फिर क्रिएट होता है। तो गाइस जब भी आओ तो मैं फिर से कह रहा हूँ, पी के जरूर जाना यहाँ से लस्सी, एकदम अल्टीमेट वाली थी। मौसम भी ऐसा हुआ है, और बहुत पुरानी शॉप है यहाँ की ये लस्सी के लिए, और अच्छी चल रही है, आएँ जरूर, पी के जरूर। तो गाइज़
लस्सी पी के आ चुका है पूरा पूरा आनंद। अभी चल रहे हैं केसरदार ढाबा पे। तो गाइस केसरदार ढाबा पे बहुत ही ज़्यादा मशहूर है दाल और परौंठे, यानी कि कुछ भाषा में जैसे गुजरी में परांठे भी कहते हैं, पंजाबी में परौंठे भी कहते हैं, तो वो आज खाने जा रहे हैं केसरदार ढाबा। और फेमस है, उससे पुरानी दुकान पूरे अमृतसर में नहीं है, तो उनके खाते हैं केसरदार ढाबा पे पहुंच के फिर मिलते हैं। आ चुके हैं केसरदार ढाबा पे, देख सकते हो ओवर 100 ईयर ऑफ ग्रेट टेस्ट। तो गाइस 100 साल से भी पुराना ये ढाबा है और यहाँ का परौंठा और दाल बहुत ही टेस्टी है, तो टेस्ट करते हैं, चलिए अंदर। बाकी टेस्ट करेंगे केसरदार ढाबा का कैसा टेस्ट है, वाकई में वैसा है या नहीं है, तो वीडियो अभी खाके टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये परांठा था जो मैंने ऑर्डर किया, ये यहाँ की दाल जैसा सुना था ना वैसे टेस्ट है, अल्टीमेट वाला। और यहाँ सलाद फ्री में से कम 5 जगह पे हम रुक चुके हैं। सबसे पहला वहाँ पे गुरुद्वारे में लंगर खाया, दूसरा पकोड़े खाए, जलेबी खाई, लस्सी पी ली, केसरदार ढाबा आ गए, बहुत कुछ खा लिया है और मार्केट एक्सप्लोर कर लिया अपने अकॉर्डिंग। देखो जैसा भी कर किया अच्छा किया, अगर इतना सब कुछ देख चुके हो तो ज़रूर लाइक करना। चलते चलते ब्लॉगिंग करने का एक अलग ही मज़ा है, इस साइड चलना है, चलते चलते ब्लॉगिंग करने का एक अलग ही मज़ा है गाइस। तो आपसे अभी मेरी हो चुकी है दोस्ती, दोस्त होने के नाते इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना। अमृतसर की स्पेशल स्पेशल मैंने चीज़ें दिखाई, पकोड़े वाला भी दिखाया, लस्सी वाला भी दिखाया, 100 साल पुरानी दुकान भी दिखाई, तो बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें दिखाई आपको। तो अभी जा रहे हैं पार्किंग में, जो मैंने पार्किंग में गाड़ी लगाई है। एक सबसे बड़ी और बात मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ मार्केट में जहाँ जब भी आओ तो अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा के आओ, या ई रिक्शा या पैदल चल सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठंडा मौसम होता है। पार्किंग में आ चुका हूँ मैं और अमृतसर का फूड ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना जब यहाँ तक पहुँच गए हो। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी को बड़े ही अच्छे से जीना है हमको घूम के। तो आपके साथ मैं घूम लूँगा इसी बहाने जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप घर पे बैठे ये वीडियो को देख लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना आज का ये वीडियो। अभी निकलेंगे घर की तरफ, गाड़ी हमारी सामने खड़ी है और काफ़ी ज़्यादा रात को गंदी हो चुकी थी। आपको साइड प्रोफाइल दिखाऊँ तो गाड़ी की, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो जैसे तैसे करके अब मिलेंगे जल्दी ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, नेक्स्ट ट्रिप में मिलेंगे, तो जल्दी मिलेंगे आप। Hey, feel I'm in a mood for a switch up. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the